पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को किया नमन। कस्बा गोवर्धन में 74वें स्वतंत्रता दिवस को सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया। चूंकि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के कारण देश भर के सभी सरकारी प्राइवेट संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित लोगों की उपस्थिति में ही ध्वजारोहण व स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति है। इस कारण हर जगह बेहद सादगीपूर्ण ढंग से ही स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तहसील कार्यालय परिसर में जहां SDM गोवर्धन राहुल यादव तथा तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक द्वारा ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं गोवर्धन थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार तथा थाना प्रभारी लोकेश सिंह भाटी एवं उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा थाना कार्यालय पर झंडा फहराया गया व राष्ट्रगान के साथ देश के वीर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र के सभी थानों के पुलिसकर्मियों को देश की एकता और अखंडता की रक्षा की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। क्या कुछ रहा इसमें? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भारतवर्ष में 74वीं स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में सभी हेडक्वार्टर्स पे, थानों पे, सरकारी संस्थानों पे, कॉलेज के अंदर उपलक्ष्य में झंडा फहराया गया, जैसा कि लाल किले में आज फहरा गया। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने भी थाना गोवर्धन को फोर्स के साथ सलामी दी और कुछ लोग जो कुंभ मेला ड्यूटी में आए थे उनको शासन की तरफ से मुख्यमंत्री जी का एक प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान किए गए थे, उनसे मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए।